अपनी बेगम जब रोती है तो आपके सर में दर्द होती है या दिल में दर्द होती है? दिल से मोहब्बत हो तो फिर दिल दर्द करता है, अगर वैसे हो तो फिर वो तो सर में दर्द रहता है। सर में दर्द होती है बड़ी। जब बेगम रोती है तो कानों में दर्द होती है, खर्चा होता है। अगर इसकी स्माइल लानी है वापस तो खर्चा तो करना पड़ेगा। सर में क्या दिल में क्या, बहुत दर्द होती है जगह। पहले बताएं शादी होगी? नहीं, अनमैरिड हूँ। अनमैरिड है, चले उस फिर भी हम आपसे सवाल करते हैं। सवाल ये है कि जब बीवी रोती है तो मतलब चलो गर्लफ्रेंड जब रोती है तो दिल में दर्द होती है सर में दर्द होती है? यार ये तो डिपेंड करते हैं ना, अगर प्यार हो आपके दिल से मोहब्बत हो तो फिर दिल दर्द करता है, अगर वैसे हो तो फिर वो तो सर में दर्द रहता है। प्यार ना तो फिर सर में दर्द होती है? सर में दर्द होती है। देखा ये जाता है प्यार हो तो फिर दिल में दर्द होती है। तो आपके दिल में दर्द होती है सर में दर्द होती है? नो, मेरा तो अभी दोनों नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब दोनों ही दर्दें नहीं होती, सर की दर्द है ही नहीं, नहीं है। लड़की ही नहीं है जिंदगी में, ऐसा ही है बिल्कुल। सर में दर्द होती है बड़ी, स्पीड लांदी है, सिरी स्पीड लांदी है। तो फिर आप उनका सर दुबाते हैं कि नहीं दुबाते? नहीं, मैं नहीं सर दुबाता। ऐसा क्यों है? बस परेशान करती है। क्यों परेशान करती है, क्या बताऊँ? बस ठीक है। बहुत सताए मैं बेगम से। कोई एक चीज़ बताएं जिस पे आप बहुत ज़्यादा परेशान करती हो, क्या कहती? शॉपिंग शॉपिंग कराओ या वैसे ही? शॉपिंग की बात नहीं है, वैसे ही तंग करती है बस। वैसे क्या तंग करती है? ठीक है इतना ही। अच्छा ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जब वो रोती है तो फिर आपके सर में दर्द होती है? दर्द होती है। आप दबाते भी नहीं है? ना ना, काफ़ी जालिम शोहर लग रही है। नहीं जालिम मैं नहीं, जालिम वो है। वो जालिम है बिल्कुल। मतलब आप मासूम है, चेहरे से बातों से लग रहा है ये मासूम है। मासूम बिल्कुल, मैं मासूम हूँ। चलो जालिम, अगर वो ये देख रही होंगी फिर देख ले दे, कोई बात नहीं। कुछ कहेंगी तो नहीं? नहीं नहीं कुछ नहीं कहेंगी। बहुत डरे हुए लग रहे हैं। नहीं नहीं, उन्होंने देखना ही नहीं। नहीं अगर वो देख लें फिर वो मोबाइल में बच्चे दिखा दें तो शायद दिखा दें। लेकिन आप मुझे डरे हुए लग रहे हैं। नहीं मैं डरा हुआ नहीं, मैं सहमा हुआ। जी बहुत सहमे हुए। अच्छा कोई एक एक बात उनकी बताएं जो जिस पर वो बहुत ज़्यादा आपको तंग करती हूँ और आपको गुस्सा आता है उस पर? जिस वक्त घर में घर से बाहर जाने लगता हूँ कोई ना कोई काम बता देती हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आप सौदा लेने गए और वापस आए और फिर कहीं दही भी ले आना था? यही तो बात है, यही करती हैं, बहाना ढूंढती हैं अपना झगड़ा करने के लिए। मतलब ऐसा करती हैं जब आप बाहर जा रहे होते तो गेट पे बिल्कुल कोई याद आया था, यार ये जरा सा आलू ले आना। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, ऐसा ही है। और फिर लड़ाई है मेरी है ही नहीं तो मुझे पता। गर्लफ्रेंड जब रो रही हो सामने सर में दर्द होती है? दिल भी नहीं है मेरी, है ही नहीं कोई। नहीं के अकेले हैं? अकेला हूं। ऐसा क्यों है? ऐसा बस अच्छे नहीं लगते गर्लफ्रेंड। अच्छी नहीं, लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती? नहीं लड़कियाँ वैसे अच्छी नहीं लगती। क्यों? धोखेबाज है इसलिए। आपको भी धोखा दिया? नहीं मुझे तो फिलहाल नहीं दिया, लेकिन दोस्तों को धोखे दिए इसलिए। हुआ क्या था? मतलब क्यों लड़कियां फसानी, लड़कियों से क्यों नफरत है इतनी? मैं भी दूर रहता हूँ, दोस्तों की कहानियां सुनी तो इसलिए मैं भी दूर रहता हूँ। दोस्त अपनी कहानियां सुनाते हैं वैसे झूठ कहते हो? नहीं यार झूठ नहीं, दोस्त है तो दोस्त कैसे झूठ बोलेंगे मुझसे। दोस्तों ने आपको कहानी सुनाई इसकी वजह से आप अब औरतों से ज़रा दूर रहते? जी दूर रहता हूँ। नहीं जब से शादी है वो रोई भी नहीं है। क्यों? वैसे जिंदगी ऐसी गुजर रही है। आपने रोने का मौका ही नहीं दिया? नहीं रोने का मौका भी नहीं दिया। तो कभी वो ऐसे आपसे गुस्सा करे या लड़ाई जगह नाराज होती है या गुस्सा ज्यादा करती है तो दिल में आपके दर्द होती है मनाने के लिए या सर में दर्द हो रही होती है? नहीं दिल में दर्द होता है। दिल में दर्द होता है? दिल में दर्द होता है। होता ये है कि अक्सर शादी से पहले अच्छा लगता है, शादी के बाद जब बीवी रोती है तो सर दर्द होती है, दूसरे की बेगम रो रही हो तो बड़ा तरस आता है मर्दों को, ऐसा क्यों है? इसका तो पता नहीं, हम ऐसा फील नहीं किया कभी, उन्होंने फील ही नहीं किया ना उन्होंने रोने का मौका दिया है। बहुत शुक्रिया। जब बेगम रोती है तो कानों में दर्द होती है। कानों में दर्द होती है? क्यों इतनी जोर से रोती है? मसला ये है कि दिल तो कहीं और होता है। कि दिल कहाँ होता है? दिल तो आजकल माशाल्लाह जितनी परेशानी है दिल तो वहाँ भी होता है। नहीं नहीं ये परेशानियों में नहीं होता, ये शबाना और जुलेखा की यादों में तो नहीं होता? नहीं, नहीं हम शबाना और जुलेखा वाले नहीं है, मैंने ऑलरेडी दो मैरिज की हुई है, दो बार शादी शुदा बाल के एक और शाहीन, दो शादियां की हुई। अच्छा मुझे बताएं दोनों खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुझे ये बताएं कि होता ये है कि बेगम जब रोती है शादी से पहले तो बहुत अच्छा लग रहा होता, शादी के बाद जब रोती है फिर सर में दर्द होती है, ऐसा है? आपकी तो दो हैं, जब दोनों एक साथ रोती फिर क्या होता होगा? पहले तो ये कोशिश करते हैं कि वो रोए नहीं, तो जब रोती है तो हम उठकर बाहर चले जाते हैं तो रोती रहो भाई, खर्चा होता है। खर्चा होता है, ये नया एक मेरे पास जवाब है, खर्चा किस सेंस में होता है? घूमने फिराने लेके जाने का। अगर इसकी स्माइल लानी है वापस तो खर्चा तो करना पड़ेगा,
चाहे वो अच्छा खाना हो, चाहे वो अच्छी शॉपिंग हो, तो ये याद तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। नहीं मेरी हुई नहीं, मुझे पता नहीं है, पर मुझे बताएं कि जब वो रोती हैं तो फिर आपके दिल में दर्द होती है कि सर में दर्द शुरू होती है? क्यों नहीं होगा, लाइफ पार्टनर है अल्लाह। दिल में या सर में? दिल में, दिल में दर्द होती है। लाख लाख शुक्र है कि काफ़ी अच्छी लाइफ एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, तो दुआ करें अल्लाह पाक ज़्यादा और अच्छा करें हम दोनों के लिए। अच्छा, होता ये है कि शादी से पहले बेगम या रोरी होती है, जब शादी नहीं होती तो बड़ा अच्छा लगता है, शादी के बाद जब बेगम रोती है ना तो मर्दों के सर में दर्द होती है, और दूसरे की बेगम जब काम भी कर रही हो ना और क्या कहते हैं रो भी रही हो तो बड़ा तरस आता है, हाय बेचारी सवेर दी लगी हुई है, तो ऐसा क्यों है? असल में मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी किसी की भी बेगम रो रही हो तो सब किसी की क्यों, अपनी मेरी तो रोती नहीं है, मैं तो कहता हूँ जाओ चले। किसी किसी की रो रही हो तो फिर आपको तकलीफ होती है? नहीं, रोना नहीं चाहिए, लाइफ अच्छी है, शादी के बाद तो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। देखें बेगम से आप डरे ना, मुझे ये बताएं जब किसी की रोती है तकलीफ होती है या अपनी रोती है तो उसको देख के ज़्यादा तकलीफ होती है? नहीं, मुझे किसी को देख के तकलीफ हो तो ज़रूर होती है, खुशी नहीं होती। इन्होंने अच्छा काउंटर सा सवाल अपने आपको ना कवर करके दिया। बेगम साथ खड़ी है, उनसे डरे, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? मेरा नाम राफिया। राफिया, मुझे ये बताएं कि जब आप रो रही हैं, जब आप रोती हैं, इनसे नाराज़ होती है तो ये आपको मनाते कैसे हैं, और इनके क्या सर में दर्द होती है या दिल में? नहीं, मैं खुद मनाती हूँ, ये नहीं मनाते। ये नहीं मनाते, आप मनाती हैं, ऐसा क्यों है? मैं झट से मान जाता ना, मुझे मनाना तो आता नहीं है, लेकिन मैं ये तो बुरी बात है कि वो आपको मनाती है और आप नहीं मनाते, ऐसा क्यों है वजह? असल में कुछ काम का भी प्रेशर होता है, कुछ काम तो वो भी करती हैं घर के, ऐसा ही है? हाँ जी, हाँ जी मैं करती हूँ। तो फिर आप मनाती, ये नहीं मनाते? नहीं। और जब आप कभी रो पड़े या होता है ना नोक झोंक चलती है तो भी नहीं मनाते, ये तब भी नहीं मनाते, ऐसा क्यों है पूछ लें से। आप कैसे मनाती हैं? खाने साने पकाने पड़ते हैं या कपड़े इस्त्री करके या कुछ अच्छा कुछ उस दिन खास मीठा पकाना होता है? फिर मैं कहूँगी खा लो खा लो, अल्लाह का वास्ता खा लो, हाथ जोड़ती हूँ खा लो, अरे हाथ जोड़ती हूँ खा लो। खाना नहीं खाते जब नाराज होते हैं? नाराज होते खाना नहीं खाते, तो फिर मैं ऐसे हाथ जोड़ती खा लो करके दिखाएं कैसे कहती हैं। अच्छा जी, खाना क्यों नहीं खाते? वो इतने प्यार से वो कहती हैं, नखरे ही करते हैं इतने। नहीं, मैंने अगर खाना खा लिया हो तो ज़्यादा खाना नहीं मैं खाता, फिर मैं थोड़ा सा प्रेशर पाने के लिए कह देता हूँ नहीं मैं नहीं खाना। सर में क्या, दिल में क्या, बहुत दर्द होती है, जगह 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 दर्द होती है, जगह दर्द होती है, क्योंकि बेगम की रोना इतना होता है कि पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। मुझे बताया कि हफ्ते में कितनी बार रोती हैं? हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में तो नहीं रोती, कभी कभार रोती हैं जब मैं उनकी बात ना सुनूं तो। ऐसी कौन सी बात आप नहीं मानते? शॉपिंग की डिमांड करती हैं, घूमने फिराने की, घूमने फिरने की ज़्यादा डिमांड करती हैं, घूमने फिरने की बात करती, फिर आप नहीं फिराते तो फिर रोती हैं? फिर वो रोती हैं। फिर आपको सर में दर्द होती है दिल में? फिर तो मेरे सर में दर्द होती है, फिर लाना पड़ता है, मैं सर दर्द ठीक करने के लिए फिर ले जाता हूँ बाहर उनको। तो वो दबाती नहीं? नहीं, कहाँ दबाती हैं। आप दबाते हैं? डेफिनेटली मुझे दबाना पड़ता है। आप दबाते हैं उनका सर जब दर्द हो? डेफिनेटली मुझे दबाना पड़ता है कि वो चुप तो हो जाए। कभी धमकी भी देती हैं कि मैं जा रही मायके? धमकी तो बहुत देती हैं, बार बार नहीं, क्योंकि मैका नज़दीक ही है, वो कहती है मैं अम्मी घर चली जाऊंगी, मैं अम्मी घर चली जाऊंगी। आपकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, खुद ही चली जाती होगी, मैं जा रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि दो गलियां छोड़ के मेरा इनका मैका मेरी ससुराल है। तो ये दो गलियां छोड़ के ससुराल होने का फायदा ज्यादा है या नुकसान? बहुत नुकसान है। नुकसान है किस तरह? बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है, मुझे पता ही नहीं होता, मैं ऑफिस में होता हूँ, मुझे कहती है मैं अम्मी घर जाती हूँ, मुझे ले जाइएगा।